आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि आर प्रतिरोध के एक तांबे के तार को समान लंबाई के 10 जो है भागों में विभक्त किया गया है, तो इन सभी भागों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से चार विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प को हमें चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से आर प्रतिरोध का एक जो है तांबे का तार लेते हैं, इस प्रकार से जिसकी लंबाई को हम जो है इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एल लंबाई प्राप्त हो जाती है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ए है तो प्रतिरोध जो आर हमें दिया गया प्रश्न अनुसार, तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर रो एल बटे ए के बराबर, जहाँ पे रो क्या दर्शाता है, यह जो है पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह हम इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, यह जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसे जो है 10 भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है, 10 समान भागों में तोड़ा जाता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से एक टुकड़ा हमें प्राप्त होता है, तो इस टुकड़े का हम जो है प्रतिरोध यदि आर डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जो है 10 भागों में तोड़ा गया तो पहले लंबाई एल था, तो एल बटे 10 प्राप्त हो जाएगा। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसी तार को है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार से प्राप्त होता है, तो आर डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा रो एल बटे 10 बटे, इस प्रकार से देख सकते हैं ए के बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं आर डैश बराबर 1/10 रो एल बटे ए के बराबर। रो एल बटे ए का मान क्या है, देख सकते हैं हमने दिया आर के बराबर, तो आर डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आर बटे 10 के बराबर। तो यह देख सकते हैं कि प्रत्येक भाग का, देख सकते हैं जो 10 भागों में विभक्त किया है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इस प्रकार से जो है आर बटे 10 के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया, इन्हें जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात प्रत्येक 10 भाग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको हम जो है इस प्रकार परिपथ की सहायता से समझ सकते हैं। तो इनका जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, इस प्रकार से इनके बीच जो हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है 1/RAB, अर्थात ए से बी तक का प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कितने प्रतिरोध है, आर डैश है, तो 1/R धन 1/R धन 1/R, कितने भागों तक हम इसे करेंगे, जो है 10 भागों तक, ठीक है, 10 तक करेंगे, ठीक है, 10 प्रतिरोध का दिया गया यहाँ पे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 1/RAB ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ऊपर जो है 10/R के बराबर, देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 10 प्रतिरोध है। इस प्रकार से तो आर डैश का मान रख देंगे, आर डैश का मान देख सकते हैं आर बटे 10 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 10/R/10, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 100/R के बराबर। यह किसका मान है, 1/RAB का मान है, तो RAB का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा R/100 के बराबर। इस प्रकार R/100 ओम हमें प्राप्त हो जाता है, यदि उसे जो है R मान के जो है 10 भागों में तोड़ा जाता है प्रतिरोध को, ठीक है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमें R/10 प्राप्त होता है। अब उन्हें जो है प्रश्नानुसार समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, R/100 के बराबर। तो यही हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था। अब देखते हैं कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाएगा, तो देख सकते हैं यह विकल्प प्राप्त हो जाता है R/100 जो है तुल्य प्रतिरोध के लिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प देख सकते हैं ये जो है गलत प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक जो है तार दिया गया था जिसका प्रतिरोध R है, अब इसे जो है 10 भागों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमने इस प्रकार से पहले प्राप्त किया R/10 के बराबर। अब इसे जो है देखिए 10 भागों को इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था हमें, तुल्य प्रतिरोध हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।